राजा जी ये बोलना है इनको यार। अरे हटो यार एक सेकंड। हाँ सर ठीक है पूछ रहे इनको कहाँ कौन सी हम क्या है कुछ शुरू में हैदराबाद का दौरा किया है, बहुत सारे राजनीतिक पार्टियों से आपकी बातचीत हुई है, तो जो सब मैं यहाँ हैदराबाद जो राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है उस सिलसिले में आया हुआ हूँ, और यहाँ पर मुख्यमंत्री KCR साहब के नेतृत्व में जो हमारा स्वागत हुआ है, इस्तकबाल हुआ है, वो अपने आप में एक मिसाल है। उसके बाद जैसा आप सब जानते हैं कि हम लोग यहाँ के TRS के जितने MLAs और MPs हैं उनसे मुलाकात हुई, बातचीत हुई, और अभी मैं MIM के MLAs से मिला, तो सब लोगों ने यहाँ पर अपना सपोर्ट देने की घोषणा की है, और मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ पर तेलंगाना में जिस तरह से उन्होंने हमारा इस्तकबाल किया उससे ये इलेक्शन जो है वो राष्ट्रपति का चुनाव नहीं रह के पीपल्स मूवमेंट बन गया है। इस चुनाव के सिलसिले में मैं 27 को अपना नॉमिनेशन दाखिल करने के बाद 28 से निकल गया, केरल गया, तमिलनाडु गया, छत्तीसगढ़ गया, और आज यहाँ पर आया हुआ हूँ। आगे फिर हम लोग कर्नाटका बेंगलोर जाएंगे, और इस तरह करके देश के विभिन्न भागों में मैं जाऊंगा अपनी बात रखने के लिए और MLAs और MPs का समर्थन मांगने के लिए। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं आपसे कहना चाहता था कि ये जो चुनाव हो रहा है प्रेसिडेंट का, ये बहुत कुछ इस हालात में हो रहा है जिसमें ये चुनाव मात्र राष्ट्रपति के चुनाव से बड़ा हो गया है। हम सब जानते हैं कि देश के हालात क्या हैं, क्या खतरे मंडरा रहे हैं देश के सामने, उन सब का मुकाबला करना है, और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि इस देश के लोकशाही को बचाना है, इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना है, इस देश के जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ हैं उनको बचाना है।
तो इस लड़ाई में हम लोग अभी शामिल हैं और ये लड़ाई आगे भी चलती रहेगी। 18 जुलाई को जिस दिन राष्ट्रपति का चुनाव होगा उस दिन ये लड़ाई रुक नहीं जाएगी। और यही बात यहाँ के आदरणीय मुख्यमंत्री के साथ हम लोगों की हुई है। मैं उनके प्रति, उनके दल के प्रति अपने दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने यहाँ इतना ग्रैंड रिसेप्शन दिया और अपने दल का पूरा समर्थन मेरे पक्ष में देने का की घोषणा उन्होंने की है। तो इसलिए मैं उनके प्रति शुक्रगुजार हूँ और यहाँ के लोगों के प्रति भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इतना ज़बरदस्त स्वागत यहाँ आने के बाद मेरा किया। बहुत धन्यवाद सर। देश के अलग अलग राष्ट्रपति का चुनाव, जैसा मैंने आपसे कहा, एक इतना बड़ा मुद्दा इसलिए बन गया है कि देश जो है वो असाधारण परिस्थितियों से आज के दिन गुजर रहा है। हालात जो हैं वो बहुत मुश्किल हो रहे हैं और इसलिए लोग निगाह टिकाए हुए हैं राष्ट्रपति के चुनाव पर, ये देखने के लिए कि इसका क्या नतीजा आता है। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि इतने प्रदेशों में जाने के बाद मुझे लगता है कि देश में एक अशांति का माहौल है और लोग चाहते हैं कि ये जो लड़ाई शुरू हुई है राष्ट्रपति के चुनाव से, ये लड़ाई आगे भी चले। तो चुने जाने के बाद निश्चित रूप से और हर हालत में हम लोग इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। तब इस देश के अंदर सत्ता परिवर्तन भी होगा और राष्ट्रपति परिवर्तन भी होगा। राष्ट्रपति परिवर्तन तो अभी टाइम प्लीज सर, चल हो गए बस। हेलो हाय, मैं शेयर जस्ट कर रहा हूँ। ओके नाइस, थैंक यू, थैंक यू। सर थोड़ा सा
ये खोलो यार మేడం అడు వర్కౌట్ 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 బాయ్ Gracias.